सो अब हम इस टॉपिक को डिफाइन कर चुके हैं, अब इसकी एक्सप्लेनेशन, इसकी डेरिवेशन करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी है, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसमें जस्ट आप लोगों ने सिंपल फार्मूलाज याद रखने हैं। ये हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ और उनके फार्मूलाज। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने इस फार्मूला को बनाना है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के तीन अहम फार्मूलाज हैं ये, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। आप इसको टेन भी पढ़ सकते हैं, टेंजेंट थीटा भी पढ़ सकते हैं। ये थीटा है, ठीक है, थीटा इज़ द एंगल। अब हम इसको किस तरह से बनाते हैं, ये फार्मूला किस तरह से बनते हैं, 8th क्लास का मैथ है, उसमें है पैथागोरस थ्योरम, उसके अकॉर्डिंग। तो हमने एक ट्राइंगल जो है वो बना ली। सो याद रखिएगा इसको लेबल करते वक्त कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, उसको कहते हैं बेस, ठीक है। अगर इसको ग्राफिकल देखें तो इसको एक्स भी कहा जाता है। जो सीधी लाइन होती है ना, मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरह वाली, ठीक है, इसको एक्स कहा जाता है, इसको वाई कहा जाता है। तो सेम एज केस, ये है हमारे पास वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कहते हैं बेस और एक्स एक्सिस पे एंगल होता है कोस थीटा। ये स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर पे एंगल हमेशा साइन थीटा होता है। अब इन दोनों को मीट करवाने के लिए एक लाइन